नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राजस्थान की अगर बात करी जाए तो अशोक गहलोत को जादूगर के नाम से जाना जाता है। दरअसल उनकी जादूगरी कई बार देखने को मिली है, साल 2020 में देखने को मिली, हालांकि साल 2018 में जो चुनाव जिताया था वो ये कहा जाता है कि सचिन पायलट ने जिताया था। उसमें तमाम तरह का योगदान जो है वो तमाम मंत्रियों का था, जिसमें गहलोत का नाम भी शामिल है। लेकिन क्या ये सवाल बड़ा उठता है कि पायलट के समर्थक प्रताप सिंह खाचरियावास और तमाम विधायक अगर अपना पासा बदल लें, अपना दल बदल लें और गहलोत के साथ हो जाए तो क्या पायलट की राजनीति लगभग खत्म हो जाएगी? और ये बड़ा झटका कैसे जो है वो पायलट को उभरने देगा आने वाले कई सालों तक, ये बड़ा सवाल है। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास से जब ये सवाल किया गया था कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, आपके हिसाब से पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या ये चीज़ें ठीक है, तो इस पर जो उन्होंने जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर क्या बुराई है, यानी कि राजनीतिक मंशा जो है वो सभी मंत्रियों में ये होती है कि कैसे ना कैसे उन्हें वो मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक बार मिल जाए। गहलोत को मिल चुका है लेकिन पायलट को नहीं मिला है, और यही कसक जो है बार बार देखने को मिलती है। पेपर लीक होता है तब वो मुद्दा उठाते हैं, वीरांगनाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो पायलट उठाते हैं, और बगावती सुर उनके देखे जा सकते हैं। इस बात को लेकर सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है ये तमाम तरह की जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई होती है, तमाम तरह की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, यानी कि जो संगठन कांग्रेस के अंदर अलग अलग होते हैं उसमें जो है वो पायलट के कई बार समर्थकों का नाम नहीं होता, और कई बार तो सचिन पायलट का नाम ही नदारद होता है। अगर उदासीनता की बात करी जाए तो देखिए, रंधावा कोई फैसला नहीं कर पाते, खड़गे नहीं फैसला कर पा रहे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम बड़े 5-6 नेता हैं जो सचिन पायलट को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये शायद माना जा सकता है कि इसको देखते हुए सचिन पायलट के विधायक अंत में फैसला कर ले कि देखिए जो लड़ाई थी वो हमने लगभग 5 साल लड़ी और अब इस लड़ाई का अंत होना नहीं है, यानी कि पायलट पर तो कोई फैसला नहीं आना। अगर ये विधायक अगर अशोक गहलोत के साथ नहीं जाते तो उनकी विधायकी जा सकती है, यानी कि वो चुनाव लड़ने जाएं और चुनाव में हार जाएं तो इसका कोई फायदा बचेगा नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अशोक चांदना से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास, खिलाड़ी लाल बैरवा, ये सभी विधायक अशोक गहलोत के साथ जा सकते हैं, और उनकी जादूगरी जो है जिस तरीके से हम आपको बता चुके हैं कि कई बार देखने को मिली है, 81 विधायकों का समर्थन भी अशोक गहलोत की जादूगरी ही थी, क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और ये बैठक कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी थी कि सचिन पायलट का नाम अब फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है, और इसी के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत की जादूगरी एक बार फिर देखने को मिलेगी? पायलट के विधायक पायलट से ही बगावती सुर अपनाएंगे, और जो कहीं ना कहीं कभी करना चाहते थे पायलट वो उनके विधायक कर जाएंगे। तो ये सवाल है, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।